नमस्कार, सीसी ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में आपका अभिनंदन स्वागत है। हिंदी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल, कवि बिहारी लाल। ये रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं। अपनी एकमात्र रचना जिसे हम बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं, उससे उनकी पहचान न केवल हिंदी जगत में अपितु भारतीय और वैश्विक साहित्य में निश्चित रूप से विशिष्ट पहचान बनती है। उन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। बहुत कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की जो कला है, जो दक्षता है, जो निपुणता है, वो बिहारी के पास है। बिहारी के विषय में यह भी कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। कुछ लोग नावक का अर्थ नाविक से कर लेते हैं, जो चप्पू चलाने वाले होते हैं। यह अर्थ वस्तुतः नहीं है। नावक का एक अर्थ योद्धा भी है। प्राचीन युग में जब युद्ध हुआ करते थे तो आमने सामने तीरों से भालों से हुआ करते थे, तो जो तीर छोड़े जाते थे वो बहुत कम दूरी पर या अधिक दूरी पर, तो जो तीर की नोक होती थी उसको विष में या जहर में डुबो लिया जाता था, फिर उसे प्रत्यंचा पर चढ़ाकर छोड़ा जाता था, तो जो तीर जिसके शरीर में लगता था वह विष उसके शरीर में छोड़ देता था। इसीलिए कहा कि देखने में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो बिहारी के जो दोहे हैं वो देखने में भले ही छोटे हों, लेकिन अर्थवत्ता की दृष्टि से, अर्थव्यंजना की दृष्टि से और सौंदर्य की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। गांभीर्य उनमें भरा हुआ है, उनमें युगबोध भी है, उनमें युगीन परिवेश और परिस्थितियों की अभिव्यक्ति भी है। उस युग के चरित्र को भी हम बिहारी के दोहों से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ब्रजभाषा पर बिहारी का पूर्ण अधिकार है और उस युग की विभिन्न भाषाओं के सटीक चयन शब्दों के वो भी बिहारी करते चलते हैं। कहीं इजाफा जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं तो अरबी फारसी की शब्दावली, ब्रज और अवधि की शब्दावली, कहीं कहीं पंजाबी की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। तो बिहारी अध्येता कवि हैं, बहुत गहन गंभीर चिंतन वाले कवि हैं, इसलिए उनकी कविता में वाग विदग्धता भी है। वाक माने वाणी, वाणी का जो विदग्ध रूप है वह उनकी कविता में मिलता है। भाषा का आलंकारिक प्रयोग, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण या विरोध, ये हम देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से किया है। और इन सब के साथ साथ जो दोहे में, क्योंकि दोहा अपने आप में एक छोटा छंद है, लेकिन जो भाव भरने की कला है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, इस दोहे के आधार पर ये कहा भी जाता है। तो बिहारी का उक्ति वैचित्र, बिहारी की वाग विदग्धता, बिहारी की आलंकारिकता, बिहारी की चित्रात्मकता, बिहारी की काव्य कला, ये सब बिहारी को अलग स्थापित करती हैं। राजा जयसिंह के दरबार में आश्रित कवि हैं बिहारी। जयपुर जिनके नाम पर रखा गया, वो वहाँ के राजस्थान के राजा जयसिंह, उनके दरबार में कवि आश्रित रहे। और बिहारी का श्रृंगार, बिहारी की भक्ति, बिहारी की नीति, ये सब तो रहे ही हैं, लेकिन बिहारी को वाग विदग्धता के साथ साथ बहुज्ञता का कवि भी कहा जाता है। बहुत सारे विषयों का ज्ञान है, पुरा कथाएं, पुरा आख्यान, महाभारत की कथा, रामायण की कथा, पौराणिक ग्रंथों की, औपनिषदिक ज्ञान की जानकारी, तो ये सब का रचनात्मक उपयोग बिहारी ने इस रचना में किया है। हम देख सकते हैं कि श्रृंगार, संयोग और वियोग के बहुत सुंदर दोहे उसमें मिलते हैं। इस सब के साथ साथ, संयोग और वियोग के साथ साथ भक्ति के बहुत सुंदर दोहे, अब पहला ही
दुहा मेरी भव बाधा रो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। या इसी प्रकार हम और दोहे, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। तो हम देख सकते हैं कि बिहारी ने भक्ति का, नीति के भी दोहे बिहारी के बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरक दोहे हैं। और कभी कभी आश्चर्य होता है कि दरबार में रहकर नीति की बात, भक्ति की बात भी बिहारी करते चलते हैं। जहाँ कहीं राजा को आवश्यकता अपेक्षा महसूस होती है, वो उसको सचेत भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं। प्रशस्ति, राज प्रशस्ति बिहारी की कविता की एक विशेषता है। उसे कभी कामदेव के रूप में वर्णित करते हैं, कभी इंद्र के समान वर्णित करते हैं। और इस सब के साथ साथ प्रकृति का आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में चित्रण भी बिहारी करते चलते हैं। प्रकृति के अनेक ऐसे दोहे हैं जहाँ सुंदर चित्र वो उकेरते हैं। हरी हरी अरहर अजों, ये अरहर की खेती की बात भी वो करते हैं। कोयल का, कबूतर का, मोर का, या पशु पक्षियों का वर्णन, हाथियों का वर्णन। चले हो जाई यहाँ को करे हाथिन को व्यापार, नहीं जानत ही पूर्व से धोबी ओढ़ कुमार। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं बिहारी के, जिनमें उनके जो प्रकृति के सौंदर्य की बात है। और सौंदर्य चेतना बड़ी अद्भुत है बिहारी की। आँखों के अनेक उपमान एक से एक बढ़िया वो जुटाते हैं। और इसी प्रकार नख से शिख तक अंग प्रत्यंग की बात चित्रण वो करते हैं। कहीं हास्य भी है, कहीं व्यंग्य भी है, और व्यंग भी बहुत प्रखर है। कहत न देवर की कोबत कुलती कलह डरात। एक तरफ ये जो विद्रूपताएं हैं, संयुक्त परिवारों के संकट हैं, और जो समाज की कुरीतियां हैं उनकी तरफ भी, वैद्य आदि जो भावनाओं का शोषण करते हैं उन पर भी व्यंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दर्शन का, धर्मशास्त्र का, युद्ध शास्त्र का, नीति शास्त्र का, इन सब का बड़ा सुंदर ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का, अध्यात्म की जानकारी भी है। इसलिए वह जो दर्शन में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति है, उन दोनों में समन्वय भी स्थापित करते हैं। तो बिहारी इस तरह पुरा कथाओं का, पुरा आख्यानों का, तमाम तरह के प्रसंगों का, और नायिका भेद का भी बड़ा अद्भुत वो उद्धरण और दोहरों से हम उसको पढ़कर ये अनुमान लगाकर बता सकते हैं ये किस नायिका का चित्र है। ये मुग्धा है, ये मध्या है, ये प्रगल्भा है, ये गुप्ता है, या अन्य कौन सी नायिका है। क्योंकि वो रीति सिद्ध है, रीति को सिद्ध किया है, इसलिए लक्षण आदि के फेर में नहीं पड़े, लेकिन उदाहरणों से उन्होंने यह सिद्ध किया कि उन्हें काव्यशास्त्र का ज्ञान है, संस्कृत ग्रंथों का गहन गंभीर अध्ययन उन्होंने किया है। तो ऐसे कवि को हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में उनके दोहों में जो अर्थ व्यंजना है वो बड़ी विराट है। और उन्होंने अपेक्षा अनुसार, समय और संदर्भ के अनुसार जो सादृश्य लिए हैं, जो भाव साम्य लिए हैं, जो उपमान आदि लिए हैं, वो वास्तव में प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। और ऐसे कवि की रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे प्रामाणिक रूप से हमें मिलते हैं। बिहारी सतसई के संपादन बहुत लोगों ने किए हैं, लेकिन जगन्नाथ रत्नाकर जो हैं, जो आधुनिक युग के पंडित राज जगन्नाथ, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जिन्होंने उद्धव शतक नाम की रचना लिखी है, वो ब्रजभाषा के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने बिहारी रत्नाकर नाम से इस रचना का संपादन किया है। और अर्थ, भाव, टिप्पणी आदि इन सब की भी बहुत सुंदर रचनात्मक प्रस्तुति उसमें मिलती है। तो उनके कुछ चुने हुए दोहे बिहारी के, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, पाठ्यक्रमों में निर्धारित हैं, उन पर आज हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। और कुछ कुछ दोहों को हम व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि बिहारी को समझने का अर्थ है मध्यकाल की कविता की समस्त प्रवृत्तियों को समझ लेना, क्योंकि उन्होंने भक्तिकाल और रीतिकाल की समग्र प्रवृत्तियों को आत्मसात किया है, और अपनी कविता में यथासंभव उनको कहीं ना कहीं समाहित किया है। बिहारी सतसई का पहला दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है,
मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई। ये इस रचना का मंगलाचरण भी है। हम जानते हैं कि संस्कृत हिंदी में या अन्य भाषाओं में मंगलाचरण की एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा रही है। मंगलाचरण के सामान्यतः दो प्रयोजन रहे हैं, शास्त्र में उसका उल्लेख मिलता है। एक तो ये कि रचना आद्योपांत निर्विघ्न संपन्न हो, रचना की राह में कोई रुकावट कोई बाधा ना हो। कवि अपने आराध्य से अपने इष्ट से ये याचना ये प्रार्थना करता है कि मुझे भाषा दो, मुझे शब्द दो, मुझे शक्ति दो, मैं सटीक शब्दों का चयन करके इस रचना को निर्विघ्न संपन्न कर सकूं, कोई अवरोध ना आए। और दूसरा प्रयोजन है कि ये जो सांसारिक आपदाएं हैं, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, ऐहिक दैहिक भौतिक जो ताप हैं, इनसे मुक्ति मिल सके। इसलिए बिहारी का ये दोहा तो बार बार मंगलाचरण के लिए उल्लिखित होता ही है, मेरी भव बाधा हरो। तो ये जो भव बाधा है यह क्या है? यह आवागमन का चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है, यह निर्धनता का, यह गरीबी का, बेरोजगारी का, रोगों का, तापों का, वो कैसे भी रोग हों, कैसे भी कष्ट हों, उन सबसे मुक्ति की कामना कवि करता है। बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हैं। राधा को कृष्ण की आद्या शक्ति के रूप में देखते हैं। इसलिए हमने देखा कि कृष्ण भक्ति साहित्य में राधा और बांसुरी, इन दोनों का महत्व बहुत कवियों द्वारा स्थापित किया गया है। तो राधा जो है उसके माध्यम से कृष्ण तक पहुंचना, तुलसी ने भी हम जानते हैं कि विनय पत्रिका लिखी तो हनुमान के माध्यम से, जो परम भक्त हैं भगवान राम के, हनुमान जी के माध्यम से अपनी विनय की पत्रिका यानी अपनी एप्लीकेशन, अपना निवेदन राम के दरबार तक, राम तक पहुंचाया। तो यहाँ राधा की बात कृष्ण टाल नहीं सकते, इसलिए राधा को चुना। और राधा भी कौन सी? नागरी, नगर की रहने वाली। ये सूर की राधा नहीं है, भोली भाली मासूम जो रोती है, जो कृष्ण के विरह और विछोह में उनकी प्रतीक्षा करती है। सूर लिखते हैं तिहि लालच न धुआवती सारी, वो अपने वस्त्र तक नहीं बदलती जो अंतिम क्षणों में मिलन में कृष्ण से धारण करती है। लेकिन ये तो राधा बहुत नगर की चेतना वाली राधा है। और बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए, ये तो वो राधा है। इसलिए नागरी राधा आभूषणों से, वस्त्रों से, आंगिक चेष्टाओं से, मुख मुद्रा से, हाव भाव से, वह नगर की राधा है। इसलिए कृष्ण तक कवि की बात पहुँचेगी, निश्चित पहुँचेगी। और आराध्य कृष्ण जो हैं वो कृपा करेंगे, दया करेंगे। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, हे राधा, हे नागरी राधा, मेरी ये जो भव बाधा है, संसार की बाधा है, ये हर लो, इनसे मुझे मुक्ति दिलाओ। और कौन सी राधा, कैसी राधा? जातन की झाई परे। अब कवि का जो आलंकारिक चमत्कार है वो अद्भुत है। श्लिष्ट सौंदर्य बिहारी की विशेषता है। अनेक शब्दों में श्लेष अलंकार का प्रयोग, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। यह तीन शब्द हैं जिनमें श्लिष्ट सौंदर्य विशेष रूप से है। एक तो झाई शब्द है, जा तन की झाई परे। कौन सी राधा? जिसके तन की झाई मात्र से। अब झाई के तीन तीन अर्थ हम देख सकते हैं, इस दृष्टि से इस दोहे के तीन अर्थ निकाल सकते हैं। तो पहला अर्थ क्या है झाई? आभा परछाई। आभा जैसे दिव्य जो व्यक्तित्व होते हैं उनके मुख के चारों तरफ एक आभा मंडल बन जाता है, या उनकी परछाई जो है। तो राधा की परछाई मात्र से या आभा मंडल मात्र से एक अर्थ यह है। दूसरा झलक मात्र से, झांकी मात्र से, एक बार बस राधा कृष्ण को दिख भर जाए, इतना ही पर्याप्त है। और कृष्ण से सब कार्य फिर भक्त अपने करा सकता है। तो झाई का दूसरा अर्थ है झलक या झांकी। तीसरा अर्थ है ध्यान। हम नेत्र मूंद कर राधा का ध्यान करें, बस उस उतने मात्र से हमारे समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कृष्ण की कृपा, भगवान आराध्य की कृपा हो जाती है। तो जातन की झाई परे श्याम, श्याम शब्द में भी श्लिष्ट सौंदर्य है। श्याम का पहला अर्थ तो है कृष्ण,
श्यामल आभा वाले, और दूसरा अर्थ है वह कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है, वह कृष्ण जो दृढ़ प्रतिज्ञ भी हैं, ऐसे ब्रज के कृष्ण गोप गोपियों के साथ लीला करने वाले और अर्जुन को गीता का संदेश देने वाले, और तीसरा अर्थ है श्याम का कालुष्य मालिन्य, ये जो भौतिकता से संसार से माया से जो मैल पैदा होती है उसका अर्थ भी श्याम से लिया, जो श्यामल है जो काला है। हरित द्युति, ये जो हरित द्युति है, द्युति माने चमक, तो इसके भी श्रेष्ठ सौंदर्य से तीन अर्थ कवि ने हमारे सामने रखे। पहला हरे रंग वाला, यानी काले रंग का हरे रंग में बदलना, कैसे? अब देखिए राधा जो है वो गौरवर्णा है, वो स्वर्णिम आभा वाली है, और कृष्ण जो है वो नीलाभ है, तो पीला रंग और गहरा नीला रंग जब दोनों को मिलाते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से हरा रंग बन जाता है। तो हरे रंग में बदलना प्रतीकात्मक है, यानी खुशहाली प्रसन्नता वरदान की स्थिति उस रूप में। तो ऐसी राधा की मैं वंदना उपासना पूजा स्मरण करता हूं जिसकी परछाई मात्र से क्या होता है कि वो कृष्ण जो श्याम कृष्ण है, बांसुरी वादक कृष्ण है, वो हरे भरे हो जाते हैं, वो वरदाई हो जाते हैं, वो कृपालु दयालु हो जाते हैं, और एक खुशहाली का माहौल उनकी कृपा से घर में समाज में संसार में बन जाता है। उस राधा की जिसकी झाई, झाई माने यहां झलक मात्र से, एक झलक मात्र से, वो जो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है, वो जो दृढ़ प्रतिज्ञ कृष्ण है, वो भी प्रसन्न वदन हो जाते हैं। हरित द्युति माने वदन माने चेहरा, खुशहाल चेहरा उनका, मुस्कान आ जाती है, एक भक्तवत्सलता उनके मुखारबिंद से बरसने और टपकने लगती है, बहुत सुंदर परिकल्पना कवि करते हैं। और तीसरा अर्थ उस राधा के ध्यान मात्र से, आंखें मूंद कर बस उनको एक बार स्मरण करो, ध्यान करो, तो हृदय में उनकी मूर्ति स्थापित करने से, परिकल्पना से, ये जो कालुष्य है हमारे मन पर, ये जो सांसारिक है भौतिक है मायावी है, ये जो मैल जम जाती है, ये मैल धुल जाती है। तो श्याम हरित द्युति होई, ये कालुष्य की जो द्युति है वो नष्ट हो जाती है और औज्ज्वल्य बढ़ जाता है, आलोक बढ़ जाता है, चमक बढ़ जाती है। तो ये सकारात्मक ऊर्जा एक संचरित होती है, इसकी कल्पना और परिकल्पना कवि ने बहुत सुंदर ढंग से की है। और ये मंगलाचरण का जो दोहा है, पहला दोहा, ये वास्तव में बहुत अद्भुत है। अब दूसरा दोहा संख्या 5 है। सनि कज्जल चख झख लगन उपजय सुदिन सनेव, क्यों ना निपति है भोग वे लही सुदेश सब देव। यहां पर ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, इसका ज्ञान भी बिहारी के पास है। तो माना जाता है कि शनि ग्रह अगर मीन नक्षत्र से मिल जाए तो सुदिन आ जाते हैं। ये जो राजयोग है, सुखों की वर्षा जीवन में होने लगती है, उसकी परिकल्पना कवि करता है। तो जो राधा है उनके जो आंखें हैं, नेत्र हैं, वो मछली की तरह सुंदर हैं। चख झख लगन, चख माने चक्षु और झख माने मछली, क्या कर रहे हो, झक मार रहे हैं। तो चख झख लगन, चक्षु जो हैं वो तो मीन नक्षत्र की तरह हैं, और उन नेत्रों में जो कज्जल है, काजल है, वो शनि ग्रह की तरह है, क्योंकि शनि का रंग काला होता है। तो शनि कज्जल चख झख लगन उपजय और सुदिन स्नेहो, ऐसा योग बनने पर सुदिन आ जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं। तो नायिका के नेत्रों में ये सुदिन आ गए इस कारण, क्योंकि मीन नक्षत्र में शनि का प्रवेश हुआ, काजल का प्रवेश हुआ। क्यों ना नृपति है भोग वे, और ऐसा होने पर राज योग बनता है। तो ये नायिका राधा क्यों ना भोग करे अपने सुदेश सब दे, इस देह रूपी सुंदर देश का राज योग
पैदा होने पर वह क्यों ना इसका भोग करे, इसका क्यों ना लाभ उठाए, ये कवि बड़ी सुंदर कल्पना इस दोहे के माध्यम से करता है। तो वास्तव में ये बिहारी की चमत्कारी दृष्टि हम देख सकते हैं, ज्योतिष को, खगोल को, नक्षत्र को और सौंदर्य को और रूप वर्णन को सबको मिलाकर कवि वर्णन करता चलता है। अब है दोहा संख्या 7। जुवती जौन में मिली गई नैकु न होत लखाई, सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाई। ये जो युवती है, नायिका है राधा, वह गौरवर्णा है और जौन कहते हैं चांदनी को। तो ये जो नायिका है ये शुक्ला विसारिका है। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष श्यामल पक्ष है, काला पक्ष है, अमावस वाला, और शुक्ल पक्ष औज्ज्वल्य वाला पक्ष है। तो ये जो नायिका है ये शुक्ला अभिसारिका है। अभिसार करना यानी प्रियतम से मिलन के लिए जाना। तो ये नायिका बहुत श्वेत उज्ज्वल वस्त्र पहनकर रात्रि में चांदनी में, पूर्ण चंद्र जब निकला हुआ है, पूर्णिमा की रात्रि में, और पूरा जो वो उबटन आदि लगाती है, चंदन वह भी श्वेत, केशों को भी वो श्वेत पुष्पों से ढक लेती है, गले में मोतियों की माला सफ़ेद पहन लेती है, बाजू बंद, तमाम तरह के आभूषण सफ़ेद सफ़ेद वो धारण करती है। तो ऐसी शुक्ला अभिसारिका कि जब चांदनी में निकलती है तो वो दिखाई नहीं देती, उसी में खो जाती है। तो क्या कल्पना है कभी की सौंदर्य की दृष्टि देखिए, जुवती जौन में मिली गई, चांदनी में ही तिरोहित हो गई, अंतर्भूत हो गई, नैकु न होत लखाई, और रत्ती भर भी नैकु भी थोड़ी सी भी दिखाई नहीं दे रही, उसे हम देख नहीं पा रहे। तो नैकु न होत लखाई, सौंधे के डोरे लगे, सौंधे कहते हैं खुशबू, परफ्यूम, इत्र, उसने जो उसकी जो देह से, क्योंकि वो पद्मा नायिका है, मुग्धा नायिका है, पद्म जैसी खुशबू, कमल जैसी खुशबू उसकी देह से, मुग्धा की देह से आती है। तो जैसे भंवरा खुशबू के पीछे चलते चलते पुष्प तक पहुंच जाता है, ऐसे ये नायिका जब चांदनी में प्रियतम से मिलने जा रही है तो जो सखी साथ में है वो उसे देख तो नहीं पा रही, क्योंकि वो दिख नहीं रही, जौन में मिल गई है चांदनी में, पर वो उसकी देह की खुशबू के साथ साथ उसके पीछे पीछे चलती जा रही है, अनुसरण कर रही है। वैसे ही जैसे भंवरा जो है वो खुशबू का पीछा करते करते पुष्प तक पहुंच जाता है। तो कल्पना देखिए कवि के कि सौंधे के डोरे लगे अली, अली माने भंवरा, चली संग जाई, ऐसे सखी उसके संग संग चली जा रही है। ये उसकी मुग्धा नायिका की विशेषता है। अब है दोहा संख्या 9। बहके सब जिए की कहत ठौर कुठौर लखेन, छिन औरे छिन और से ए छवि छाके नैन। अब ये जो छवि से छके हुए नेत्र हैं नायिका के, राधा के, कृष्ण का ऐसा विलक्षण अरूप सौंदर्य देख लिया है और उसको देखकर तृप्ति नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा जब हम किसी भी चीज को खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो छक जाते हैं, और छकने के बाद जब बहुत भरपेट खाना खा लें तो एक नशा होता है, भोजन का भी नशा होता है, ऐसी रूप का भी नशा है, सौंदर्य का भी नशा है। तो क्या कहती है कि बहके सब जिए की कहती है, जो नेत्र हैं ये बहक गए, और नशे के बाद तो बहकना स्वाभाविक है, और कुछ का कुछ कहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, अभी इस क्षण कुछ कहा, अगले क्षण कुछ और कहा, तो नशे में ग्रस्त व्यक्ति की जो मनोदशा होती है, स्थिति होती है, उसको यहाँ पर नायिका कहती है सखी से, सखी कहती है कि तुम्हारा प्रेम प्रकट हो रहा है आँखों से, तो वो कहती है मैं करूँ क्या कि मैं इन नेत्रों में जो प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है उसे छिपा नहीं पा रही, क्योंकि कृष्ण के रूप का ऐसा पान किया है कि छक गए। तो बहके सब जिए की कहत, मेरे हृदय में जो अनुराग है, जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये मेरे नेत्र उसे बताई दे रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। ठौर को ठौर लखे, कहाँ कहना है कहाँ नहीं कहना, उचित स्थान या अनुचित स्थान, इसका बोध भी इन्हें नहीं रहता, जैसे शराबी को नहीं रहता, जैसे नशेड़ी को नहीं रहता। तो बहके सब जिए की कहत ठौर कुठौर लखे न, छिन औरे छिन और से ए छवि छाके नैन। ये जो छवि से छके हुए नैन है कृष्ण के रूप की छवि से,
ये क्षण भर में तो कुछ होते हैं और अगले ही क्षण कुछ और होते हैं, अभी कुछ कहते हैं फिर कुछ और कहते हैं, तो इससे ये ज्ञात हो जाता है कि ये अनुरागी नेत्र हैं, ये प्रेम में सिक्त नेत्र हैं। इसलिए नायिका को यह अपनी सखी को बताते हुए गौरव का अनुभव भी होता है लेकिन संकोच भी होता है, इसलिए वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं इसे छिपा नहीं पा रही हूं।